mention that this year, 2022, we had about 100 days till yesterday. There have been 158 murders in the state, which brings Punjabi kar lene 158 murder jede hain is saal de vich hun tak hoye ne. Is da agar assi kadiye monthly average kareeb 50 de thalle aanda hai ki 50 murder har mahine. Is da assi comparison kariye agar pichle saalan naal 2020 te 2021 naal, तो 2021 दे विच 724 मर्डर हुए सी, करीब करीब 60 तो उपर मर्डर एवरी मंथ. 2020 दे विच 757 हुए सी, अगेन 65 एवरी मंथ. तो अगर असी देखिए मंथली एवरेज 65, 60 और 50, तो एक कल तक जो क्राइम डेटा बड़ा क्लियर कहता है कि दिस ट्रेंड इज नॉट इंक्रीजिंग, रादर ये मार्जिनली डिक्रीज होया है. नंबर एक, बट दिस इज नॉट अ हैवी सिचुएशन. सानू इस मर्डर रेट नू होर कम लेके आना है और इस दे विच तुहाडे राही मैं लोगों का भी कोऑपरेशन सॉलिसिट करदा. एक तो यह है, दो पॉइंट हैं. एक तो यह है कि जेड़ा लाइसेंस वेपन है वो प्रोटेक्शन वास्ते है. वो जदों पर्सनल राइवलरी है जो केस होंदे हैं उस दे विच जदों इस्तेमाल होंदा है तो लाइसेंस वेपन नू प्रोटेक्शन वास्ते इस्तेमाल करन, क्राइम करन वास्ते नहीं. और दूजा ये है, अगर कोई डिस्प्यूट होंदा है, पर्सनल राइवलरी होंदी है, लैंड डिस्प्यूट होंदा है, होर कई होंदे हैं, तो उस दे विच कोशिश अपनी ये होनी चाहिए है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द एक्सटेंट ऑफ मर्डर, जेड़ी अथॉरिटीज़ हैं, पुलिस होवे, कोर्ट हो, होर कोई महकमा हो, समाज दे पतवंते हैं, इन्हां दे राही हल करन दी कोशिश कीती जावे. अगर असी सारे रल मिल के कोशिश करिए तो पंजाब च मर्डर दी रेट होर घट हो सकती है, बिकॉज एवरी लाइफ इज़ इंपॉर्टेंट. और साढ़े सारिआं दा ये फर्ज है कि असी मिल के जो मर्डर रेट नूं पंजाब च कम करिए. जिहड़ी गल करिए इस साल दे जिहड़े केसिस होए ने 158, इस दे विच्चों गैंगस्टर वालों, क्योंकि गैंगस्टर की गल बार बार आ रही है, गैंगस्टर वालों जिहड़े होए ने या गैंगस्टर का इनवॉल्वमेंट मार्जिनल भी हो सकता है, वो 6 केस ने. आउट ऑफ 158 6 केसां दे विच गैंगस्टर एंगल टोटल या मार्जिनल इनवॉल्व हो सकता है. ये सारे दे सारे केस जो दर्ज हुए सी ब्लाइंड मर्डर सीगे, इस दे विच पुलिस ने अपनी प्रोफेशनल तरीके नाल तफ्तीश करदे होए केसेस नू ट्रेस कीता है और ये पता लग्या है कि केड़े केड़े बंदे प्लानिंग दे विच इनवॉल्व सीगे, केड़िया ने रैकी कीती सी, केड़े आए सी, केड़िया ने गोली चलाई सी. 24 एक्यूज इन 6 केसां दे विच अरेस्ट हो चुके ने. और इस दे नाल जो आम सेम्यूनिशन है, 7 पिस्टल अते गड्डियां जड़ी इस्तेमाल हुई हैं, 7 गड्डियां भी बरामद हुई हैं. सर, 7 कार और पिस्टल? 7 पिस्टल, 7 व्हीकल्स. और ये तफ्तीश हले चल रही है और बाकी जड़े एक्यूज ने उना दा दे वास्ते जिहड़ी पार्टियां लगी हुई हैं एंड वी विल गेट देम सून. इस दे अलावा जेडे सीरियस जो 158 दे विच असी और सीरियस मर्डर करिए अदर देन 6 गैंगस्टर क्राइम, 9 क्राइम जो असी सेंसेशनल कह सकते हैं जो कि नॉन गैंगस्टर टाइप सीगे, वो भी सारे ट्रेस हो गए हैं. उन्हां दे विच ज़्यादातर फैमिली डिस्प्यूट, मैट्रीमोनियल डिस्प्यूट, पर्सनल राइवलरी, इस तरह दे एंगल इन्वॉल्व सीगे. इत्थे मैं एक गल होर कहना चाहवांगा कि प्रिवेंशन एक पुलिस का बहुत वड्डा काम है कि असी क्राइम नू होण नहीं देना. तो इस साल दे विच एटलीस्ट 4 केसेस दे विच असी गैंगस्टर क्राइम नू प्रिवेंट किया, किसी
इमीग्रेशन एजेंट की किलिंग हो सकती सी, किसी की किडनैपिंग हो सकती सी, और ये सारी गल फॉर ऑब्वियस रीजनस असी डिटेल इन्हों की आइडेंटिटी वगैरह शेयर नहीं करना चाहेंगे, पर चार गैंगस्टर क्राइम, सीरियस क्राइम, मर्डर और किडनैपिंग फॉर रैनसम, ये असी प्रिवेंट किए। ओवरऑल गैंगस्टर फ्रंट पर जिहड़ी पंजाब पुलिस की कारगुजारी है, असी 545 गैंगस्टर्स नू आइडेंटिफाई किया है, इन्हां नू कैटेगराइज किया है ए बी सी कैटेगरी दे विच। इस दे विच 515 एट डिफरेंट स्टेजेस अरेस्ट हो चुके ने, 30 हाले अरेस्ट होने बाकी हैं, बाकी जिहड़े अरेस्ट होके बेल ते आ जाते हैं वो एक वक्री गल है। तो ओवरऑल गैंगस्टर फ्रंट पर ये स्टेटस है, और दूजी गल गैंगस्टर्स दे अगेंस्ट एक्शन नू इंटेंसीफाई करन वास्ते होर एक डेडिकेटेड टास्क फोर्स सीएम साहब ने बनाई है, AGTF एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, और उस दे मुखी ADG प्रमोद बान जी हैगे। इन्हां दी सीएम साहब नाल भी मीटिंग हुई है गैंगस्टर टास्क फोर्स दी, एंड मैंडेट इन्हां नू बड़ी क्लीयर एक्सक्लूसिवली इन्होंने गैंगस्टर्स नू डील करना है, गैंगस्टर क्राइम सर टास्क फोर्स अपनी होगी, प्लस सारे जिले और कमिश्नरेट का जोड़ा गैंगस्टर रिलेटेड काम है उसका सुपरविजन करेंगे, और जेडे इस फ्रंट पर इंटेंसीफाई एक्शन करके इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके गैंगस्टर दे अगेंस्ट पुलिस एक्शन नू होर सटीक अते पावरफुल बनाएंगे। सो दिस वॉज द पॉइंट विच आई वॉन्टेड टू मेक। जस्ट समराइज मैं 3 पॉइंट कर दा। पहली गल मर्डर केसिस दे विच बाकी पिछले सालों नाल देखा जाए तो वाधा नहीं होया है, मार्जिनली नीचे आया है। इसनों होर थल्ले ला सकते हैं असी, पुलिस पब्लिक और सारे मिलके इन्हों थल्ले लाने की कोशिश कर सकते हैं। दूजी गल ये है इस साल दे विच जिहड़े मर्डर होए हैं उस दे विच 6 नूं असी गैंगस्टर रिलेटेड कह सकते हैं, और ये 6 दे 6 केस ट्रेस हो चुके हैं, कौन इस दे अक्यूज हैं वो पता लग चुके हैं, कुछ अरेस्ट हो चुके हैं, कुछ अरेस्ट बाकी हैं। और तीजी गल ये है कि प्रिवेंशन भी पुलिस ने किया है, और एटलीस्ट 4 केसेस दे विच गैंगस्टर क्राइम असी नहीं होने दिता। एंड लास्ट पॉइंट, इस काम नू इंटेंसीफाई करन वास्ते एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स हैज़ कम इन टू एग्जिस्टेंस, और इन्होंने अपना काम ऑलरेडी शुरू कर दिया। लेकिन सोशल मीडिया से आना जेलों चलना और उस तो बाद इंटरनेशनल लेवल पे रेडिकल ग्रुप्स ना जेड़ा होना और बार बार जेड़ी कॉन्ट्रैक्ट क्लीम्स भी हो रही ने, जहाँ क्योंकि आम बंदा व्यापारी जेड़ा लुधियाने का जहाँ कोई होर लग ला वो डरे भी हुए ने, इन्हों गैंगस्टर जेड़ा सोशल मीडिया नो और जेलों विचों खास तौर ऑपरेट हो रहा है उन्होंने आप किवें कहो बार बार जी करप्शन पैसा जेल सुपरडेंट और बार सोशल मीडिया फेसबुक से उन्होंने करना उन्होंने लोगों से एक हीरो बनने की कोशिश करते हैं ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦੇਖਿਆ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੋਗੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਦੱਸੋਗੇ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਈ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ
नुकसान ही कर रहे हैं। ये मैसेज यूथ में जावे चंगी गल है। बाकी जो भी उन्होंने स्ट्रेटेजी है उसके मुताबिक जो भी पुलिस का एक्शन चाहिए होगा बंद हो गया अच्छा चाहिए होगा वो असी जे सी जेल हो पुलिस हो हाँ सोशल मीडिया हो जड़ी भी चीज़ की लोड होगी ये 100% डेडिकेशन इन्हों का सिर्फ गैंगस्टर वास्ते है जिस चीज़ की लोड होगी ये करा लेकिन जो नॉन गैंगस्टर केस है उसके तो प्रॉब्लम नहीं बाय एंड लार्ज पता ही होता किसने किया उधर जिदा परसनल डिस्प्यूट है बच्चे खेल रहे हैं उत्थे झगड़ा हो गया गोली चल गई तो पता होता कि किसने गोली मारी है तो उस दे विच सॉल्व होने की परसेंटेज होर भी ज्यादा होगी। दिलीप सर मैं गैंगस्टर की गल नहीं करूंगा क्योंकि जो एक क्राइम होता है सारे नु दिसदा एक स्ट्रीट क्राइम अज का नहीं कई सालों तो चल रहा है वो कहे लेडी नाल स्नैचिंग हो गई पैटी चोरियां हो गई और आम देखने होता भी लोग जड़े ने ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਾਡੀ ਲੇਡੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਝਪਟਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਪੈਟਿਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਰੀਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਔਰ ਅਗਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੰਸਰਨ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।